आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की इस चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मेरे मित्र मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि एक वर्ष को क्यों चर्चाओं में इतना महत्व दिया जा रहा है 2014 को। मुझे लगता है सभापति महोदय कि काश महाभारत के संजय अगर 2014 में अगर जिंदा होते तो उनका वर्णन क्या होता उससे पहले के कालखंड का, और ये वही सही जवाब जो है मिल जाता कि क्यों 2014 का महत्व है। क्या बोलते संजय अगर पूछा जाता कि भारत कैसा दिख रहा है, तो शायद ये इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पाते कि पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है, कश्मीर जल रहा है, बंबई में आतंकी घुसे हुए हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं, पूरा देश लाइव उस चीज को टीवी पे देख रहा है, सरकार की अनुमति नहीं है, दुश्मन पता है कि पलटवार करे, फौज हतोत्साहित बैठा हुआ है, नौजवान आशा की सब किरण भूल चुका है, इंडिया इज ऑलमोस्ट अ लैंड ऑफ नो अपॉर्चुनिटी, और वहां से एक सोए हुए भारत को संगठित करते हुए दोनों हाथ उठा के कर्तव्य पथ पे दौड़ाते हुए विजय पथ की यात्रा पे 2014 के बाद भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री लेके चले हैं। ये महत्व है 2014 का। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ये 9 वर्ष गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों और ग्रामीण भारत की सशक्तिकरण के 9 वर्ष रहे, और मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 9 साल उपलब्धियां रही बेमिसाल। पिछले वर्ष बिहार में मैं जब गांव में भ्रमण के दौरान कुछ ग्रामीणों से पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, तो एक ग्रामीण ने एक ही लाइन में जवाब दिया, विपक्ष के 60 पर भारी, मोदी जी के 8। सभापति महोदय, जिस प्रकार नवरात्र में 9 देवियां 9 शक्तियों की प्रतीक होती है, उसी प्रकार हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 शक्तियों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त करने का काम किया है, और यही 9 शक्तियां हैं जो भारत को इस अमृत काल में प्रवेश करने में सहायता की। इनका विवरण संक्षिप्त में करना चाहूंगा। ये 9 शक्तियां हैं: कृषि शक्ति, आदिवासी शक्ति, जल शक्ति, राष्ट्र शक्ति, व्यापार शक्ति, स्वास्थ्य शक्ति, नारी शक्ति, गति शक्ति, विद्या शक्ति। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और ये तभी संभव हो पाया है जब हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधारभूत अवसंरचना और ग्रामीण भारत के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठाए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी कहा था, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल विलेजेस, रूरल इकोनॉमी एंड रूरल स्किल्स। और रूरल इकोनॉमी का विकास तभी संभव है जब हम अपनी कृषि शक्ति का पूर्णतः उपयोग करेंगे और अपने किसानों को समृद्ध बनाएंगे और सहयोग करेंगे नीतियों से, न कि बातों से। सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान मजदूर शब्द और उनके भावनाओं से राजनीति में जितना दुरुपयोग और छेड़छाड़ हुआ है उतना शायद ही किसी शब्द का आज तक हुआ हो। अगर ये शब्द को वोकैबुलरी से अगर हटा दिया जाए तो शायद मेरे समाजवादी और वामपंथी दोस्त जो है बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे, कहां से शुरू करें, कहां से आरंभ करें। लेकिन पहली बार ये एक ऐसी सरकार आई जो कि शांत जुबान बंद किसान को, मजदूर को, गरीब के बारे में उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की और यह एहसास किया कि किसान को भी सीधे मदद की जरूरत। इस क्रम में हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं सभापति महोदय, इस योजना में 2.24 लाख करोड़ रुपए भारतीय किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं, और जिसमें से
1.7 लाख करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान दिया गया और लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ अभी तक पहुंचाया जा चुका है। सभापति महोदय, कृषि शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये सामान्य बात नहीं है, जब नेशनल लॉकडाउन लगा था तो बड़ा शोर मचा कि जो रोज कमा के खाते हैं लाखों की संख्या में मर जाएंगे। एक व्यक्ति नहीं भूखे मरा इस देश में, एक व्यक्ति नहीं मरा, और 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज तब से देते देते आज उसको एक सिक्योर्ड आबादी के रूप में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमारी सरकार जो है निरंतर उनको मुफ्त राशन दिए जा रही है। और सभापति महोदय, नोटिस करने वाली ये बात है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है कि यूएनडीपी के रिपोर्ट के हवाले के जरिए कि इन दोनों योजनाओं के कारण भारत की गरीबी में कमी की महत्ता को उसने स्वीकार किया। सभापति महोदय, विपक्ष के दोस्त हमारे पीएम सम्मान निधि के बारे में क्या क्या राय रखते रहे, इसलिए मैं आपको 2019 में जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तब ले जाना चाहूँगा, जब देश के ज्ञानी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो हमारे सदन के भी सदस्य हैं क्या कह बैठे थे, नथिंग कैन बी मोर शेमफुल इन अ डेमोक्रेसी देन ड्राइव फॉर वोट्स, अर्थात देश का मुख्य विपक्षी दल किसानों को रिश्वतखोर समझता है, रिश्वत देकर वोट देते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और यही लोग कोविड-19 की महामारी के समय चिल्ला चिल्ला कर कहे कि गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, पैसा पहुंचाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने 1.73 लाख करोड़ रुपए कोविड-19 महामारी में सीधे जनता के हाथों में दिए और उन्हें यह योजना रिश्वतखोरी दिखाई देती है। लेकिन अब क्योंकि विदेशी संस्थाएं भारत की विस्तृत आकलन में इसकी तारीफ कर चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे मित्र इसे अच्छा मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों को अच्छा, हमारे संस्था पर उन्हें विश्वास ही नहीं है। एक और यूएनडीपी की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा। यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में वर्ष 2005 और 6 में जिक्र है कि 65 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे और आज 2019 से 21 में यह संख्या 23 करोड़ तक पहुंच गई, अर्थात भारत ने 41.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गरीब के जीवन में मूलचूक सुधार के पीछे हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और जो लोग किसानों की आय को दोगुना करने का मजाक उड़ाते हैं उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के 9 वर्ष के दौरान पर कैपिटा इनकम दोगुना होकर 1.97 लाख रुपया हो गया है, अर्थात हमारी सरकार ने लोगों को विशेषकर किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति आदिवासी शक्ति पर आता हूं। पिछले 9 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आदिवासी शक्ति के माध्यम से देश को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जब ग्रामीण विकास की बात हो, आदिवासियों, दलितों, वंचितों की बात पर देश के विभूति स्वर्गीय नानाजी देशमुख का उल्लेख न हो तो ये बात अनुचित होगी। उन्होंने कहा था कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, और अपने वो हैं जो सदियों से पिछड़े, वंचित और उपेक्षित। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर 36,000 आदिवासी एवं जनजाति गांवों के कल्याण का मार्ग खोला है तथा इस बजट में सर्वाधिक उपेक्षित घुमंतु जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ की धनराशि के साथ PM PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप योजना की शुरुआत भी की। सभापति महोदय, जनजाति समुदाय को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार 689 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। इसी बीच में सभापति महोदय, गरीब किसान की पीड़ा को समझते समय मुझे लगा कि गुलजार साहब की 2 पंक्तियां यहाँ पर जरूर रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा, अब लिखा है इनफैक्ट, खबर सबको थी कच्चे मकान की, खबर सबको थी कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआ में बरसात ही मांगी।
गरीब किसान की पीड़ा समझिए। एक तरफ वह बरसात भी मांग रहा है, लेकिन एक तरफ वह यह भी सोचता है कि बरसात का महीना किसी तरह निकल जाए और उसकी छत ढकी रहे। इस भाव को हमारी सरकार ने समझा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 280.53 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और जिसमें लगभग 97 लाख मकान आदिवासी एवं दलित परिवारों को दिए गए। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष को हमारे बातों पर भरोसा तो है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का एक अध्ययन, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने यह पाया कि न केवल लोगों को पक्का मकान मिला, बल्कि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उच्च गुणवत्ता के थे, जो अपने आप में इस योजना की सार्थकता को सिद्ध करता है। सभापति महोदय, क्योंकि दलितों, वंचितों, किसानों, आदिवासियों की बात हो रही है और मैं बिहार के दो महान विभूति, अभी तक के देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का उल्लेख न करूं ये अनुचित होगा। जिस प्रकार देश का सबसे बड़ा किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो निरंतर छोटे किसान, दलित, वंचित, मजदूर के लिए संघर्षरत रहे, उनको देखते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने उन्हें दलितों का सन्यासी की संज्ञा दी थी। और आज इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी आधुनिक भारत के दलितों के सन्यासी। सभापति महोदय, मैं दिनकर जी के ही शब्दों में कह रहा हूं जो उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा, और आज के आधुनिक भारत के परिपेक्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे भी बड़ा सटीक बैठता है। वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया भू पर आए जो सौरभ नमंडल का, लोक भाव अंजलि ले सबके लिए लिए कल्याण, आया है वह कि जो गति से धीर हीर गुणवान, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कभी सन्यासी मधुबन में, हवन पूत कर में सुदंड ले मुंडित भाल विरागी, आया है नफपत दिखलाने दलितों का सन्यासी। प्रधानमंत्री दलितों के सन्यासी इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ प्रयागराज कुंभ में सफाई कर्मियों के पांव धोते हैं और वहीं दूसरी ओर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने हेतु मशीन से मैनहोल की सफाई हेतु योजना की शुरुआत भी करते हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के दलितों का सन्यासी करने में तनिक भी संशय नहीं रखना चाहिए और ना है। सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में मनरेगा पर दिए गए एक बयान का स्मरण कराना चाहूँगा। बड़ा चर्चा चल रहा है जब से यह बजट आया है मनरेगा पे, और जो सबसे, और ये भी बोला जाता है कि पत्रकार ये नहीं लिखते वो नहीं लिखते, और जो एक अद्भुत डेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मनरेगा में हमने क्या चेंज किया और उसको लेकर जो डेटा है मैं प्रस्तुत करता हूँ। 2014 में जब हम जब तक इनकी सरकार थी, मनरेगा के तहत केवल 17.6% एसेट क्रिएशन हुआ था, जबकि हमारी सरकार आने के बाद जो दिशा विहीन तरीके से चल रहा था उसे हमने ऑर्गेनाइज किया और उसी का परिणाम है कि इस कालखंड में 61.2% एसेट क्रिएशन हुआ है मनरेगा के माध्यम से। फर्क साफ है। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है जल शक्ति। स्वच्छ जल का क्या महत्व है आप उस महिला से पूछिए जो कई मीलों चलकर अपने परिवार के लिए पानी लेकर आती है। एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो अमेरिकन पोएट और राइटर थे लूसी लार्कॉम, उन्होंने कहा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट कुड राइट आउट इट्स ओन हिस्ट्री वुड एक्सप्लेन द यूनिवर्स टू अस। प्रधानमंत्री जी स्वयं ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जहां शुद्ध पेयजल की बहुत गंभीर समस्या थी, उस समस्या का भी हल निकाला, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया और जब प्रधानमंत्री बने तो इस योजना को संपूर्ण देश में भी लागू किया। सभापति महोदय, जल की व्यवस्था के साथ साथ जो स्वच्छता और शौच की बात जब लाल किले से हुआ,
तब हमारे विपक्षियों ने मजाक उड़ाया, परंतु दूरदृष्टि इन्हें समझ ही नहीं है। हमारी सरकार ने 10.9 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी किया। एक किसान से बेहतर जल की कीमत कोई क्या समझे? सिंचाई का पानी किसानों को खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की और 37% हिस्सा जो सिंचाई का था, आज उसका आंकड़ा बढ़कर 49% हो गया है। हर घर नल से जल और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास में हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विषय तो काफी है सभापति महोदय, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कहा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।